इस बार हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करें, ठीक है। अरिथमेटिक में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, नीचे कमेंट लाइन में मैं लिख के दिखा देता हूँ। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ये ऑपरेशन हमारे होते हैं, ये ऑपरेशंस हमारे होते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। सो इन ऑपरेशंस की हम बात करें, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एफ एंटर द टू नंबर्स एंड टू ऐड। स्कैन एफ ने दो नंबर लिए ए एंड बी, उसकी वैल्यू मैं एंटर कराऊंगा क्योंकि स्कैन एफ मेरी तरफ से चलेगा, प्रिंट एफ कंप्यूटर की तरफ से चलेगा, ठीक है। सो स्कैन एफ की वैल्यू मैंने एंटर कराई, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए बी की जो वैल्यू मैं एंटर कराऊंगा वो सी में स्टोर होगी एंड सी की वैल्यू फिर कंप्यूटर क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन, कंपाइल किया, नो एरर, रन करते हैं। एंटर द टू नंबर टू ऐड, मान लो मैंने ऐड कर दिया 5 एंड 6, ठीक है। मतलब 5 मेरा क्या है, ए है, एंड 6 क्या है मेरा, बी। तो 5 प्लस 6 इज 11, वो वैल्यू क्या है, सी, एंड सम ऑफ नंबर इज सी, ये रहा सी, सी की वैल्यू हमने हमारे पास है, ठीक है। इसी को थोड़ा चेंज करें, अब ए माइनस बी कर देते हैं, ओके। कंपाइल किया मैंने, नो एरर, रन, 12 एंड 5, 12 माइनस 5 इज 7, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अगेन कंपाइल किया, नो एरर, रन, 5 2 10, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डिवीजन करूं, कंपाइल किया, रन किया, 10 एंड 5 2 आएगा, 5 2 जो 10 होता है, ठीक है। अगर मैं मॉड्यूलस कर दूं, दिस इज योर मॉड्यूलस, कंपाइल करा, रन किया, एंड 5 एंड 2 डाल रहा हूं, 2 2 जो 4, रिमाइंडर क्या बचा, 1। सो आंसर क्या आ गया, 1। सारा कुछ मैं बता चुका हूं कल कि कैसे हो होता है, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस किसके थे, अरिथमेटिक थे, ये सारे ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।